फिरोजाबाद में कुछ शरारती तत्वों द्वारा चैनो हवा में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के प्रमुख चौराहे पर हिंदू देवी देवताओं के बारे में छपी अपमानजनक टिप्पणी की किताबें लोगों को बांट रहे थे, तभी हिंदू वाहिनी के लोगों को सूचना मिली। तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले गई। मामला थाना उत्तर के क्लब चौराहे का है, जहाँ कुछ व्यक्ति ये किताब बांट रहे थे। लोगों को बुला बुला कर किताब फ्री दी जा रही थी, तभी किसी व्यक्ति ने किताब को पढ़ा तो उसमें हिंदू धार्मिक भावना को भड़काने की बातें लिखी हुई थी। तभी किसी ने हिंदू वाहिनी के सदस्यों को फ़ोन कर दिया और पुलिस को भी सूचित कर दिया। इस कृत्य की सूचना पर हिंदू वाहिनी के सदस्य मौके पर पहुंच गए और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले किताब के साथ पकड़ लिया। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुँच गई और सभी आरोपियों को थाने ले गई। वहीं पकड़े गए एक आरोपी का कहना है कि किताब में कुछ गलत नहीं लिखा है, उसमें जो अश्लील और गलत बातें लिखी हैं वो सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगाराम यादव। यादव जी, जो ये किताब है इसमें जो लिखा गया है, जो ये किसकी किताब है, किस आश्रम की किताब है और किस महाराज ने लिखी हुई है ये? ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है और सतलोक आश्रम की किताब है। अच्छा, इसमें जो एक शिवलिंग को गुप्तांग की उपाधि दी गई है, क्या ये सही है? बिल्कुल सत्य है, जब क्योंकि अभी तक हमें नेगेटिव विचारधाराओं में घुमाते रहे। गुप्तांग ही है, लिंग गुप्तांग ही है और योनि भी गुप्तांग ही है। अभी हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों ने इस किताब पर ऐतराज उठाया है, इस टिप्पणी पे, जो इस किताब में जो टिप्पणी की गई है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि हिंदू वाहिनी वाले खामखा अपने आप को केवल दिखावा करने के लिए और अपने वो बढ़ाने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब सत्यता है वो सत्यता ही, क्यों हम अपने कपड़े पहने हुए लिंग के ऊपर तो छुपाए हुए, तो गुप्तांग ही है वो। औरत में पहने हुए कपड़े तो वो गुप्तांग ही हैं, तभी तो छुपाए हुए हैं उनको। किसी ग्रंथ में या किसी उसमें हिंदू के उसमें कुछ इसके बारे में क्या? वो इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है किस ग्रंथ से लिया है, ये इस किताब में लिखा हुआ है। आपका मानना ये सही है? बिल्कुल सत्य है, इस किताब में लिखा हुआ है कि ये किस पुराण से लिया गया, उस पुराण को ये पढ़ेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा। अभी आप थाने में आई हुए हो, क्यों थाने में? ये वही हिंदू वाहिनी वाले अपने जो कर रहे हैं वो लेके आए हैं ज़बरदस्ती कि इनको भेजो, ये गलत प्रचार करने करके। हमारा गलत प्रचार है, यही काम इन्होंने वहाँ अलीगढ़ में किया था। जिसने ये किताब लिखी है वो अभी जेल में है? हाँ, जेल में है। किस विषय पर जेल में है और क्यों जेल में है? जेल में वो इसी विषय पर है कि वो सत्यता को बाहर सामने ला रहे हैं और सत्य हजम नहीं होता जब तक सत्य जो हमारी पुस्तकों से उन्होंने प्रमाण के साथ, वेदों से प्रमाण के साथ दिखा दिया, हमारी गीता से प्रमाण के साथ दिखा दिया, हमारे कुरान से दिखा दिया, बाइबल से दिखा दिया कि ये सबके सत्य है और ये कबीर ही भगवान है। लेकिन ये कबीर को भगवान मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये कबीर ही भगवान है, ये विष्णु और ब्रह्मा और महेश ये हमारे देवता हैं, ये बुरे नहीं हैं, ये देव हैं, लेकिन ये भगवान नहीं है। किताब मार्केट में कितने रुपये की बिकती है? मार्केट में जो SMS से मंगाते हैं फ्री सेवा होती है और जो डायरेक्ट लेते हैं वो 10 रुपये की बुक किताब है। ये आपके रामपाल जो महाराज हैं कब से जेल में है और इन पे क्या क्या इन पे आरोप लगे हैं? इन पे आरोप देशद्रोह का आरोप लगाया हुआ है और 2014 से जेल में है। ऐसा है, कुछ लोगों के द्वारा फिरोजाबाद क्लब के नीचे पुल के पास में एक मजमा लगा करके और एक ये पुस्तक है, इस तरह की पुस्तक का कोई विमोचन या बिक्री की जा रही थी, जिसमें हमारा जो हिंदू धर्म है उसके बारे में दुष्प्रचार है और अभद्र टिप्पणी और जो ऐसे ऐसे शब्द जो जैसे शब्द बोले जो आपत्तिजनक शब्द जो कि बोलने लायक भी नहीं है, जिसमें शिव जी के शिवलिंग को एक ऐसा आकार जिस तरह आप इसमें लिखा हुआ देख रहे हैं जो हम अपने मुंह से बोल भी नहीं सकते, इस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी, अश्लील भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो लोग और लोगों में ये किताब भेज रहे थे। और इसके जो संस्थापक हैं कोई संत रामपाल जी हैं, सुनाया जिस समय जेल में है, इनके कुछ अनुयायी लोग हैं जो इस तरह की वहाँ पर कर रहे थे, उन लोगों को हमारी हिंदू जागरण मंच की टीम ने वहाँ पर इन लोगों को किताबों के साथ पकड़ा है और यहाँ थाना उत्तर में लाके पुलिस के सुपुर्द किया है। मैं सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर किताबें बेच रहे हैं जिसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ, इतनी भद्दी भद्दी कमेंट लिखे गए हैं, जिसके आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे देश के लिए खतरा है। इसलिए हिंदू जागरण मंच के माध्यम के द्वारा इस पर मैं कार्रवाई कराने की पूरी कोशिश करूंगा और ऐसी किताबों को ऐसे समाज में ना बिक्री हो उसके लिए सत्य सत्य कानून बने और ऐसे ऐसे लोगों को गिरफ्तारी करके इन लोगों को जेल भेजा जाए। अच्छा, आप लोगों को ये कब मालूम पड़ा, ये कब से कर रहे हैं ये लोग? ये मुझे अभी अभी मालूम पड़ा, अंकित जी द्वारा मुझे सूचना मिली तो मैं अभी अपने स्टॉप से तुरंत चला आया हूँ।
और यहाँ पर देखा और किताबें पढ़ी हैं मैंने, इसमें बड़ी देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा लिखा हुआ है और ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे कि हम लोगों को शर्म खुद लग रही है कि छापाने वाले, छापने वाले और पढ़ने वालों को, दोनों को शर्म लगेगी। ऐसी ऐसी इसमें बातें लिखी हुई हैं। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आगे है कि ऐसे लोगों को मैं गिरफ्तार करा के सीधे जेल भेजने की हम उम्मीद करते हैं कि एक सख्त से कानून बने, ऐसी किताबें समाज में ना लिखी।